झुंझुनू से बड़ी खबर, सीथल गांव में मां बेटी ने खाया जहर, पारिवारिक कलह बताई जा रही है वजह। कमला देवी बेटी अंजना ने खाया जहर, दोनों की मौत। गुड्डा गोरजी थाना इलाके के सीथल गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। मां और बेटी की जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। झुंझुनू के बिड्डी के अस्पताल में दोनों का शव रखवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले के अनुसार सीथल गांव निवासी 56 वर्षीय कमला देवी और 25 वर्षीय उसकी बेटी अंजना ने कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, इससे दोनों की मौत हो गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों माँ बेटी खाना खाकर अपने कमरे में सो गई। इस दौरान कमला का पति रामदेव रात को खेत में फसल संभालने के लिए चला गया। वह रात को घर आकर कमरे के बाहर ही सो गया। जब सुबह दोनों माँ और बेटी नहीं उठी तो उसने कमरे को खोला और दोनों को अचेत अवस्था में देखा। दोनों के मुंह से झाग आ रहे थे और दोनों पूरी तरीके से बेहोशी हालत में थी। उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर दोनों मां बेटी कमला और अंजना को मृत घोषित कर दिया गया। एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अभी मामले का खुलासा नहीं हुआ है। दोनों ने जहरीला पदार्थ कैसे सेवन किया, प्राथमिक रूप से मामला घरेलू कलह का लग रहा है। मामले की जांच के बाद इस दर्दनाक घटना का खुलासा हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने मोर्चरी में रखे दोनों शवों से सोने के जेवर चोरी करने का आरोप लगाया है। परिजन विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों के कानों की बालियां थी और हाथों में जेवरात पहन रखे थे, वे सभी गायब हैं। बताओ ये मामला है, कौन है, क्यों है? ये मामला है कि पवन कुमार सिंह सहीराम जाति जाट निवासी थाने की रिपोर्ट है। उन्होंने लिखा कि मेरी चाची कमला देवी व बहन अंजना रात को खाना खाकर सोई थी और कीटनाशक दवाई खाने से सुबह देखा तो ये मृत अवस्था में पाई गई। इनका चाचा था वो बार आवारा पशुओं के लिए खेत में गया हुआ था, रात को आकर सो गया, सुबह उठा तो यह चाचा अवस्था में इनको यहाँ लेकर गया है और यह डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और क्या करवा रहे थे? पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। मैं गांव सीथल है साहब, मेरा नाम विक्रम है। बेटी के अस्पताल में आया मैं, मेरी भाभी जी की और मेरी बेटी की रात ने जहरीलो पदार्थ खाने मौत होगी। मौत होगी ना, मैं अस्पताल में ले आना, डॉक्टर साहब मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद मैं हमारे सागे हॉस्पिटल को कर्मचारी जो को मनीष मांझू हमारे साथ आयो। स्ट्रक्चर पर मैं लेके आया ना मोचड़ी का नया देना, मोचड़ी को लोग खोलो, लोग खोल के हमारी बॉडी माए रखवा के दोनों माँ बेटिया की माए रखवा के मान बोले बोले थे तो स्ट्रक्चर लेके चलो मैं हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर लेके चला जावा। 10 मिनट बाद में वो लोक लगा के मारकर वापिस आवा है और बाद में मैं पोस्टमार्टम को संभाल ले चला गया। बाद में मैं ओटा आया ना जना माने हरकत मिली और भाभी जी के कान में बाला हा और बेटी है कान में बाली ही बगाई भी और अब वो सफाई पेश कर रहे हैं और शराब पियो साहब वो।